हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अतीक अहमद होम्योपैथिक फिजिशियन। आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ होम्योपैथिक दवा शेयर करते हैं और इसमें देखते हैं कि और क्या मैनेजमेंट किया जाए कि कॉन्स्टिपेशन हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों की एक समस्या हो चुकी है। ज़्यादातर लोगों में कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम बन चुकी है, तो हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं और क्या कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, क्योंकि ज्यादातर लोगों में आज के समय में कॉन्स्टिपेशन बना रहता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कारण एक हम देखते हैं, एक मेन कारण ये होता है कि पानी कम पीना। जो लोग अक्सर पानी बहुत कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें अक्सर ये होता है कि जो देर में सोते हैं और देर में जागते हैं। जैसा कि पहले से बताया जा रहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, जल्दी आप सोइए और जल्दी जागिए। अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम जल्दी से नहीं होने पाती है, वरना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देर से सोने वाले और देर से जगने वालों को हमेशा बनी रहती है, और फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर और तमाम कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन के मैनेजमेंट के लिए एक हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जल्दी सोया जाए और जल्दी उठा जाए, यानी अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज। जल्दी सोया जाए और जल्दी जगा जाए, बहुत देर रात में ना सोया जाए और बहुत देर सुबह ना उठा जाए। कम से कम 10-10:30 तक सो जाया जाए और 5 बजे 5:30 के आसपास में लगभग जग जाए, तो फिर ये रूटीन अपनाने से कॉन्स्टिपेशन जल्दी से नहीं होने पाता। दूसरा इसमें ये करना है कि पानी खूब पिया जाए, पानी की कमी ना होने पाए। अमूमन पानी की लोग कम पीते हैं तो पानी की कमी से जो है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इंटेस्टाइन में यानी आंतों में ड्राइनेस हो जाती है, पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे फिर स्टूल जो है सूखने लगता है, तो ये पोजिशन ना आने पाए, पानी खूब पिया जाए दूसरी बात। और तीसरी बात, खाने में जो है सलाद है, जैसे सलाद है, फ्रूट है, इसका सेवन ज़्यादा किया जाए। तो हर खाने के पहले सलाद का सेवन ज़्यादा किया जाए, और उसके बाद फिर फल भी, जो भी मौसम के हिसाब से फल मिल रहे हैं, अवेलेबल है, फल भी खाया जाए सा खाने के साथ में। तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है, बगैर दवा के भी मैनेज किया सकता है। तो इसमें हम आइए देखते हैं कि और कौन सी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देती है। नंबर तो एक नंबर पे है ओपीएम दवा एक होती है। इस दवा में देखते हैं क्या सिम्टम होते हैं। इस दवा में सिम्टम ये होता है कि इसमें नो डिजायर गो टू स्टूल, यानी इसमें प्रेशर ही नहीं बनता, इसमें आदमी को प्रेशर ही नहीं बनता, यानी उसको इच्छा ही नहीं होती है कि लेटिन जाया जाए, जरा से भी प्रेशर नहीं बनता। तो इस तरीके से अगर प्रेशर ना बन रहा हो तो वहाँ पे हम ओपीएम जो है दवा दे सकते हैं। और ओपीएम का एक करेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि इसमें पेन नहीं होता है, पेनलेस रेमडी होती है, यानी दर्द नहीं होता है। तो अगर पेनलेस प्रॉब्लम है कहीं पे भी है तो वहाँ पे भी हम ओपीएम दे सकते हैं। ओपीएम में कॉन्स्टिपेशन जो होता है ऑब्स्टिनेट हो जाता है, यानी जिद्दी हो जाता है। ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी होता है, यानी ये स्टूल कहता है नहीं निकलेंगे, यानी निकलना ही नहीं चाहता है बाहर, यानी प्रेशर भी नहीं बनता है बिल्कुल से, और प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर स्टूल बाहर जो है नहीं निकल पाएगा। कभी कभी तो निकलते निकलते फिर स्टूल अंदर चला जाता है। तो इस तरीके के लक्षण अगर मिल रहे हैं कि बिल्कुल से प्रेशर ना बने, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर है, तो यहाँ पे हम ओपीएम दवा कंसीडर कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है नक्सोमिका। नक्सोमिका में कॉन्स्टिपेशन में अमूमन यही देखा जाता है कि जो लोग देर से सोते हैं और देर से जागते हैं, वर्किंग में इतना बिजी रहते हैं कि देर से सोएंगे देर से जगेंगे तो पता लगा फिर देर से जगेंगे तो उनका जो है पेट नहीं सही रहेगा, लेटिन सही नहीं होगी, और उसके बाद फिर बार बार उनको लेटिन जाना पड़ेगा, यानी फ्रीक्वेंट डिजायर होगी, बार बार इच्छा होगी जाने की, लेकिन फिर सही ढंग से उनका लेटिन नहीं निकल पाता है, सही ढंग से पैखाना नहीं होता है, तो वो फिर जो है
मूड उनका नहीं सही रहता है, यानी फिर वो बिल्कुल इरिटेबिलिटी भी आ जाती है, चिड़चिड़ाहट बनी रहती है। तो इस तरीके से अगर जो है बार बार लेटिन जाने की डिजायर है लेकिन और हर बार थोड़ी थोड़ी होगी और बराबर से सही से नहीं हो पाता है, पेशेंट बार बार जो है लेटिन जाने की इच्छा रहती है, तो इस तरीके से अगर जो है सिम्टम मिल रहे हैं तो हम जो है नक्सोमिका दे सकते हैं। और नक्सोमिका में जो है अब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर टू डिफिकेशन, अब्सेंस ऑफ ऑल डिजायर फॉर डिफिकेशन, ये जो है कंट्रा इंडिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू विलियम बोरिक, डॉक्टर विलियम बोरिक के हिसाब के अकॉर्डिंग टू ये सिम्टम है। तो उन्होंने बताया है कि अगर बिल्कुल डिजायर ही ना हो जैसा कि ओपियम में होती है तो वहां पे नक्सोमिका बिल्कुल कंट्राडिक्ट करती है, यानी नक्सोमिका आप नहीं दे सकते हैं। नंबर तीसरे नंबर पे एक दवा होती है सल्फर होती है। सल्फर में क्या होती है, सल्फर पेशेंट पानी बहुत पीता है। देखिए अमूमन पानी कम पीने वाले को कॉन्स्टिपेशन होता है लेकिन सल्फर के पेशेंट में पानी बहुत पीता है और खाना कम खाता है फिर भी इसको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। और सल्फर वाले पेशेंट दूध उसको नहीं हजम हो पाता है, दूध पिएगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, पेट नहीं सही रहेगा, डकार आएगी, इंडाइजेशन हो जाएगी, तो दूध इसको डिसग्री होती है। और सल्फर के पेशेंट में जो है स्वीट यानी मीठी चीज खाने की ज्यादा इच्छा होती है। तो और इसमें जो है मॉर्निंग डायरिया भी होती है, सुबह सुबह अक्सर जो है सल्फर के पेशेंट सुबह उठते ही ये लेटिंग की तरफ जाता है और इसमें भी बार बार डिजायर होती है लेकिन जो है सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं आता है, यानी उसको लेटिंग सही से नहीं हो पाता है, उसकी बार बार इसको इच्छा बनी रहती है। और इसमें ये भी होता है कि लेटिन के मुकाम पे रेडनेस हो जाती है और वहाँ पे इचिंग होती है, तो रेडनेस अराउंड द एनस विद इचिंग, अगर इस तरीके से सिम्टम मिल रहा है तो यहाँ पे हम जो है सल्फर दवा दिया जा सकता है। इसमें अगली दवा आती है मैकफास आती है। मैकफास में क्या होता है कि रूमेटिक कंडीशन में यानी रूमेटिक सब्जेक्ट में कॉन्स्टिपेशन अगर है तो यहाँ पे जो है मैकफास दवा बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। रूमेटिक सब्जेक्ट की मीन्स ये होता है कि जिन लोगों में जोड़ जोड़ की प्रॉब्लम रहती है और ज़्यादातर जोड़ प्रभावित होते हैं, उठने बैठने चलने फिरने में दर्द होता है, यानी रूमेटिक यानी जोड़ की प्रॉब्लम होती है उसमें, तो वहाँ पे जो है मैकफास दिया सकता है। तो ऐसे कॉन्स्टिपेशन में जिसमें जो है जोड़ की प्रॉब्लम भी हो साथ में और कॉन्स्टिपेशन बना रहे, डकार अजीब सी आती है, खाना हजम नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके से अगर रूमेटिक सब्जेक्ट में कॉन्स्टिपेशन है तो यहाँ पे हम मैकफास देते हैं। अगली रेमेडी होती है मैगम्योर। मैगम्योर के केस में जब मोस्टली ये इन्फेंट में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और ये लीवर रेमेडी है, यानी लीवर प्रॉब्लम हो साथ में कॉन्स्टिपेशन हो तो यहाँ पे जो है मैगम्योर दिया जा सकता है। इसमें क्या होता है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, यानी कोई भी अगर सूंघने वाली चीज है तो उसका भी जो है स्मेल नहीं मिल पाता है और कोई भी टेस्ट जैसे खाना खा रहा है तो उसका उसको टेस्ट नहीं मिल पाता है, तो इसमें जो है ये भी जो है मैगम्योर के केस में भी जो है मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे हमको सिम्टम मिल रहे हैं तो मैगम्योर रेमेडी जो है दे सकते हैं। ये जितनी भी दवाइयाँ हैं सिम्टम के हिसाब से जो कोरिलेट करके देख लिया जाए तो जो सिम्टम हो उस हिसाब से वो दवा सिलेक्ट कर लेते हैं। और दवा भी जो है 200 पावर में या 30 पावर में कम से कम दिन भर में एक बार लिया जाए, 3 से 4 बूंद थोड़ा से पानी में डाल के दिन में एक बार लिया जाए, एक हफ्ते तक लिया जाए, उसके बाद फिर अल्टरनेट करके लिया जाए यानी एक दिन गैप करके लिया जाए, तो काफ़ी हद तक जो है ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और मैनेजमेंट में जो बताया गया है उसको भी बहुत ज़रूरी होता है करना, क्योंकि बगैर मैनेजमेंट के कॉन्स्टिपेशन नहीं सही हो पाता है। कॉन्स्टिपेशन सही करने के लिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। तो
नहीं कर सही करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन अगर बना रहेगा तो आने वाले दिन में कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी तमाम प्रॉब्लम जो है पता लगा पाइल्स हो जाता है, प्लाइस में भी, फिर और भी आगे तमाम कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। तो इस तरीके से वीडियो को हमारे जो है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले तमाम हेल्थ संबंधित टिप्स के बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू।